ऐसे वीडियो पे। फिलहाल हम लोग आए हैं मेघालय पे, और मेघालय पे जो सबसे खूबसूरत शहर है वो है शिलोंग, और वहाँ पे है अभी हम लोग। हम लोग यहाँ पे कल आ चुके थे, और कल आके हम लोग टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसीलिए मैंने कल कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकल के हम लोग को जाना है और एक डेस्टिनेशन पे। ये स्टॉप सिर्फ हम लोग यहाँ पे रात गुजार रहे थे। सो कल आने के बाद हम लोग इसी होटल पे रुक रहे थे। एक्चुअली ये एक्सटेंडेड रूम है, जो होटल है मेन होटल है वो सामने है। अभी सुबह का बज रहा है 9, और जहाँ पे जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा लेट होके निकला हूँ। और यहाँ से निकल के वहाँ पे जाएंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे पहले, और फिर वहाँ से जाएंगे और एक जगह पे। चलो आप लोगों को जब जाऊँगा वहाँ पे तब बताऊँगा कौन सा जगह है। जिस होटल पे हम लोग रुक रहे थे यही होटल है गाइस, क्या ही खूबसूरत होटल है। और यहाँ पे हम लोगों को पार्किंग का स्पेस भी मिल गया था, और इस होटल का नाम है ब्लूमिंग इन गेस्ट हाउस। ओके, चलो अभी अपना सामान लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ जल्द से जल्द। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग होटल से निकल के एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, और रेस्टोरेंट का पीछे का साइड का व्यू देखो, क्या ही खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि कल भी हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था, और ये किचन एरिया है गाइस, हम लोग किचन एरिया पे है अभी। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोग कहाँ पे है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखो मदर टिंग पुलिस स्टेशन है गाइस, और इसी के सामने ये रेस्टोरेंट है, और ये पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप उसी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हो तो इसी रूट पर पकड़ना पड़ेगा। अगर ये रास्ता पकड़ लोगे तो आप लोगों को सिलचर हाईवे देखने को मिल जाएगा, मतलब शिलोंग टू सिलचर हाईवे या इस साइड पे देखने को मिल जाएगा। और हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं तो ये रास्ता पड़ता है। चलो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, और उसके बाद निकलते हैं अपना डेस्टिनेशन के लिए। और वो जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा वो डेस्टिनेशन का नाम। ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैंने मंगवाया आलू पराठा, भाई ने मंगाया पूरी सब्जी, और इसने भी आलू पराठा। सॉरी एवरीवन, एक गलती हो गया, गूगल आंटी ने हम लोगों को गलत रास्ता दिखा दिया था। एक्चुअली इस तरफ नहीं, मैं जिस तरफ दिखा रहा था शिलोंग टू सिलचर जिस तरफ जाना है उसी तरफ हम लोगों को भी जाना है। यहाँ से मदर रेटिंग से 16 किलोमीटर पड़ता है। चारों तरफ फॉग ही फॉग है। कंटिन्यू फॉर 3 किलोमीटर्स। भाई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक दो गाड़ी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो भाई ऐसा लग रहा है ना जन्नत पे आ चुके हैं हम लोग। जन्नत के अंदर है, और जन्नत के अंदर एक रोड बना हुआ है, चारों तरफ बादल ही बादल है। अगर ऐसा फॉग रहेगा ना तो उस जगह का खूबसूरती थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मजा आएगा गाइस। चलो चलते हैं उस जगह पे, जाके दिखाते हैं कौन सा जगह है और क्या है। सो भाई लोग क्या दिखाना है भाई, हर तरफ धुंधला धुंधला फोगी फोग। एक्चुअली जिस जगह पे हम लोग आए हैं इस जगह का नाम है लाइटलूम गाइस, और लाइटलूम पे सीन, आज का सीन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है भाई, चारों तरफ फोगी फोग। हेलो, कुछ बोलिए, आप कहाँ गए हो, लोकल हो क्या? गुवाहाटी का है।
जैसे कि भैया बोल रहे हैं, थोड़ा टाइम वेट करेंगे और देखेंगे, अगर ये सब क्लियर होता है तो आप लोगों को भी दिखा देंगे। पार्किंग पे गाड़ी रख के आप लोगों को पैदल आना पड़ेगा। वो जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सामने है, और जब आप लोग चाहोगे इसी तरह आप लोगों को स्टॉल देखने को मिलेगा। मकाई मकाई मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ आके, और मैगी मोमो सब। और पहाड़ में आके मकाई खाना एक अलग ही मज़ा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग नीचे उतर ही रहे हैं, और जितना नीचे जा रहे हैं उतना फोग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ का पीछे का व्यू देखो भाई, क्या खूबसूरत व्यू है, क्या खूबसूरत पहाड़ है। चलो नीचे चलते हैं और जाके आप लोगों को दिखाते हैं वो व्यू पॉइंट। अगर क्लियर होता है तो फिर दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को। सॉरी गाइस। नीचे जाके आए हो पूरा? नीचे जा नहीं पाए इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों आवाज नहीं, आवाज क्यों नहीं आया है। हाँ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आवाज क्यों नहीं आया। ओ भाई शाहरुख खान, शेर 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 क्या है? कौन से चैनल पर डालोगे ब्लॉग? फिदा तो ब्लॉग। फिदा तो ब्लॉग, FIDATO। हाँ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। ओके ब्रो, आपको ऑडियंस में फिदा हो जाएगी। हाँ इसीलिए तो नाम ऐसा है फिदा तो। बोलो जोर से। हाय हेलो बोलना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब लाइक और ऐसा व्यू देखना भाई का चैनल में। कहाँ से हो आप लोग? हम गुवाहाटी से ब्रो। गुवाहाटी हम लोग हेवन से है। हम लोग हाफ ऑफ द वे आ चुके थे, लेकिन फिर भी ये सब फॉग ना मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि इतना नीचे जाके अगर वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा तो फिर जाने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग फिर से वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। हम लोग नीचे से ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद इस पार्क के अंदर आए हैं, और ये जो पार्क है ये सभी आके यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। जैसे कि ये देखो, ये फ़ोटो खींच रहा है, यहाँ पे देखो ये लोग भी फ़ोटो खींच रहे हैं, इसी रेलिंग के पास आके सब लोग फ़ोटो खींचते हैं। और सब लोग नीचे नहीं जाते हैं, तो हम लोग ने ट्राई किया था नीचे जाने के लिए, लेकिन नीचे जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग नीचे नहीं गए, सिर्फ आधा ही गए और आधा जाके फिर वापस आ गए। और यहाँ पे यह मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं भाई, क्या मौसम है। अभी थोड़ा विजिबिलिटी आ रहा है गाइस, यहाँ पे देखो ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये स्टेप से हम लोग नीचे गए थे, वो नीचे जाते 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 मतलब वो नीचे एकदम देखो एक नदी जैसा है, मतलब नदी ही है, तो उस पर जाना था हम लोगों को। और वहाँ का जो व्यू है ना भाई, ख़तरनाक व्यू है, लेकिन जा नहीं पाए। अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे एक देखो एक गाँव है, क्या खूबसूरत व्यू है।